देखिए जरा, सोम और टिंकल की बात बन रही ही नहीं। अगर वो करीब आ जाए ना, तो सासों को दूर रखने में उनसे आसान। कोई तो था। हाय भगवान, ये तो यमदूत लग रहा है, लेकिन ये हमारे घर में क्या कर रहा है? और वो भी सासुमा के कमरे के सामने। हाँ, लगता है कि सासुमा के जाने का टाइम हो गया है, इसलिए यमदूत हमारे पूरे घर के चक्कर काट रहे हैं। हे यमराज, हमारे सासुमा का हाथ मत छोड़ना। सोम जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका और आपसे प्यार करने वाले हर इंसान का पूरा ख्याल रखेंगे। ट्विंकल जी, भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपसे प्यार करने वाले हर इंसान का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। मतलब आपको आधे लखनऊ का ख्याल रखना पड़ेगा? आधे लखनऊ का? हाँ, मेरा मतलब लखनऊ के लोगों ने ही तो पापा को वोट देकर उनको विधायक बनाया था, तो कम से कम आधा लखनऊ तो हमारे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये काम ना हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपनी दादी और बुआ जी से बहुत प्यार करते हैं। तो इस घर में आके सबसे पहले हम उनका ही दिल जीतेंगे। ऐसा करने की सोचना भी मत। हुआ मम्मी, क्यों भड़क रही हूँ? कहीं नहीं भड़के बेटा। टिंकल अपना घर बार छोड़ के यहाँ आएगी तो हम सबका फर्ज बनता है ना कि पहले उसका दिल जीते। अब बाद में वो चाहे जो करे, लेकिन पहले हम सबका फर्ज बनता है कि टिंकल को अपनी मायके की याद कभी ना आए। मम्मी जी, यू आर ग्रेट, यू आर सच अ नाइस लेडी हु इज गोइंग टू बी माय मदर। I'm very thankful to God. समझ रही हो ना मम्मी, ट्विंकल ने क्या कहा? नहीं समझी, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। लगता है दादी और बुआ आ गए, हम देख के आते हैं। रुक रुक सब बेटा, हम कह रहे कि टिंकल को साथ लेके जा। दादी और बुआ जब टिंकल को तेरे साथ देखेंगे ना, तो बहुत खुश हो जाएंगे। सही कहा मम्मी। ट्विंकल, चलो तो मैं दादी से मिलवाते। एक मिनट, हम जरा खुद को ठीक करके आते हैं। सोम को टिंकल के साथ देख के सासुमा और चीची के कलेजे में सांप लौटेगा और हमरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। मेरी सास भूत है, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।